Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying retirement of a partner. और जैसे कोई partner retire होते हैं, उसका capital adjustment कैसे होता है? Question है, balance sheet of X, Y and Z, who share profits in the ratio of 5:3:2? आज हम 31st March of the current year, balance sheet दे रखा है. एसेट साइड में बैंक मिनिमम बैलेंस दे रखा है. मिनिमम बैलेंस बैंक में हम उसको टच नहीं करते, उतना ही रहता है हमेशा. ना कोई पार्टनर पैसा लाएगा विड्रॉ होगा, मिनिमम इतना बैलेंस चाहिए. लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इट इज ए नॉर्मल लायबिलिटी. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी से माइनस करके बाकी कैपिटल की क्रेडिट साइड में तीनों में बांट लेंगे. एडमिशन में दो है तो तीसरा आ रहा है तो दोनों में बांटते हैं. ओल्ड पार्टनर बनता है, यहाँ पे तो तीनों ओल्ड पार्टनर है. एक्स वाई जेड कैपिटल बैलेंस दे रखा है और लास्ट लाइन में बता रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों ब्लैंक बना लो. और बैलेंस शीट में आइटम्स उतारो, अमाउंट्स नहीं. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बांटो, क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए कोई वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी है नहीं. ये टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैपिटल के क्रेडिट में बांट लो. WCR टू एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट. देन वन पार्ट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,12,500. Y share is to be adjusted into the capital accounts of X and Z who are going to share future profits in the ratio of 3:2. तो working notes में old ratio दे रखा है 5:3:2. Old ratio of X, Y, Z 5:3:2 and Y is retiring, X, Z का share है 3:2. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. X का गेन है 1/10 एंड Z का गेन है 2/10. Therefore, गेनिंग रेशियो ऑफ X is to Z is equal to 1:2. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. गुडविल ऑफ द फार्म 1,12,500. इसमें Y का शेयर निकालो 3/10. तो 3/10 Y का शेयर है. तो दैट इज 33,750. इसको X और Z देंगे 1:2 में. तो एक्स विल पे 1/10 ऑफ पूरा टोटल वैल्यू का 1/10 निकालो, नहीं तो इसका 1/3. और लाइक वाइज जेड का टोटल वैल्यू का 2/10 निकालो. तो दैट इज सेम थिंग. जर्नल एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाई कैपिटल अकाउंट. एक कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो इसका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइस का जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट, एक्स जेड टू वाई, एक्स जेड टू वाई. और इसको हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, बाय एक्स जेड वाई में लिख देंगे और टू वाई एक्स जेड में लिखेंगे, टू वाई एक्स जेड में लिखेंगे. This is all about the treatment for goodwill. XZ to Y, XZ to Y, by XZ to Y. Then starts your revaluation. Fixed assets were to be appreciated by 20%. Fixed asset को 20% बढ़ाओ, एक जीरो काट के डबल कर दो और इसको fixed asset में add करके लिखो. Write down like this. स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75,000. स्टॉक डिक्रीज हो गया 7500, क्योंकि 75,000 माइनस करके 7500 आया. 75,000 किससे माइनस करोगे? 82,500 से. तो 7,500 रिडक्शन हो गया. देखो देन नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन इज ओवर. रिवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड टोटल करो 37,500, उसको डेबिट साइड में लिखो. इससे 7,500 माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 30,000. टू कैपिटल अकाउंट्स
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 5:3:2, एक्स का 5/10, वाई का 3/10, जेड का 2/10। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स वाई जेड में बांटो और वाई को टोटल करो, इसको इधर लिखो, उसको पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में भी बैंक अकाउंट है, पेमेंट कर दिया। फिर एक्स और जेड को बैलेंस करो टोटल, ये जो मिनिमम बैलेंस विल ऑलवेज परसिस्ट, इसको कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। फिर एक्स और जेड को टोटल करो और डेबिट साइड में उतारो, फिर टू बैलेंस सीढ़ी इधर और इधर लिखो। कैपिटल एडजस्टमेंट में दो लाइन और बढ़ा लो, लिखो बाय बैलेंस प्रिंट आउट। कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ो, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाई एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका एक्स और जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बोल रहा है कि वाई को पैसे देने के लिए इतना पैसा एक्स जेड ऐसे लाएंगे बाय बैंक कि इनका जो टू बैलेंस सीडी निकलेगा कैपिटल बैलेंस वो 3:2 में रहेगा। This will win the ratio of 3:2। तो आप एक काम करो, ये दोनों का तो ये कैपिटल है ही, इसके साथ जेड का कैपिटल वाई का कैपिटल ऐड कर दो, जितना वाई को पे करना है। एक्स और जेड का कैपिटल इतना है 80, 180 और 54, वाई को इतना पे करेंगे तो न्यू कैपिटल होगा एक्स और जेड का इतना। इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके टू बैलेंस शीट में एक्स और जेड में लिखो, फिर इसको टोटल करो, डेबिट साइड बड़ा है और यही जो कैपिटल आया, यही जो कैपिटल आया, ये कैपिटल को यहाँ उतारो और इसको फाइनल कॉलम में लिख दो 367,500 ऑलरेडी कैलकुलेटेड। और इसको टोटल करो एक्स जेड को, इसको इधर उतारो क्रेडिट साइड में बाय बैंक, पैसा एक्स इतना लाएगा वो जेड इतना लाएगा, मिनिमम बैलेंस को छोड़ो, ये जो दोनों पैसे लाएंगे इसका जो टोटलिंग 40,500 और 93,000, इसका टोटलिंग होगा 1,33,500। तो कैश में ये दोनों ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, कैश जितना है उतना रहेगा 15,000। दिस इज ऑल कि पैसा ऐसे लाएंगे इनका कैपिटल बैलेंस 3:2 बनेगा, इट विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नाउ जो जो कॉलम्स रहेंगे उसको भरो, डेटर्स रह गया खाली, डेटर्स को भर दो 97,500, क्वेश्चन से उतार दो जितना है। क्रेडिटर्स को भी क्वेश्चन से उतारो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज लिखो, एंड हमने वाई को पे कर चुके हैं तो वाई से लोन इधर आएगा नहीं, बैलेंस शीट का दोनों साइड टैली करो। इफ इट इज टैलिंग योर आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।